अमेज़न के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। उनकी जगह अमेज़न वेब सर्विसेज के चीफ एंडी जैसी उनका पदभार जुलाई 2021 के बाद संभालने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो 25 साल पहले स्टार्टअप के तौर पर खुली थी, एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर, वो किस तरीके से इन 25 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी बन गई, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि जेफ बेजोस ने सीईओ पद ऐसे ही नहीं छोड़ा। दरअसल इसके पीछे वजह है इलॉन मस्क और उनके बीच में प्रतिद्वंद्वता अंतरिक्ष को लेकर। जी हाँ, जेफ बेजोस की अब निगाहें हैं अंतरिक्ष पर, क्योंकि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान अपनी अंतरिक्ष परियोजना की कंपनी ब्लू ओरिजिन पर देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हालांकि अमेज़न के 10% शेयर जेफ बेजोस के ही नाम रहेंगे। जब वो सीईओ नहीं रहेंगे तो वो अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अमेज़न के तमाम तरह के प्रमुख फैसले सिर्फ और सिर्फ जेफ बेजोस ही ले सकेंगे। आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि स्पेस एक्स, जो कि नासा के साथ मिलकर तमाम तरीके के सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ रही है, इसको लेकर अब जेफ बेजोस कंपटीशन में आ गए हैं। दरअसल वो इलॉन मस्क को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं और अब उनकी कंपनी यानी कि जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के जरिए स्पेस एक्स को एक कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। इससे पहले जब वो अमेज़न के सीईओ रहे हैं तब वो ब्लू ओरिजिन को सिर्फ हफ्ते में एक दिन दिया करते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि $1 बिलियन के साथ साथ वो ब्लू ओरिजिन में अपना पूरा समय दे सकें। लेकिन ये जेफ बेजोस आखिर कौन है, आपको वो भी बता देते हैं। 57 साल के जेफ बेजोस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। 1994 में उन्होंने अपने घर के गैराज में एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, लेकिन शुरू में ये स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर था, जहाँ पर आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये स्टार्टअप बढ़ा। इसकी सबसे खास बात स्टार्टअप की थी कि ये लोगों को फ्री शिपिंग और बहुत जल्द शिपिंग पहुंचाता था, और यही वजह है कि लोगों के बीच इसने बहुत जल्द अपनी लोकप्रियता बना ली। और आलम यह है कि जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न डायपर से लेकर टीवी तक तमाम तरह के प्रोडक्ट लोगों के उनके घर तक, उनके ऑफिसेज में पहुंचाती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज अमेज़न ने इंटरटेनमेंट से लेकर मीडिया सेक्टर तक में अपनी धाक जमा ली है, और यही वजह है कि आज अमेज़न कंपनी का कुल व्यापार $1.7 ट्रिलियन का है। हालांकि वो दुनिया के सबसे महंगे तलाक की वजह से भी चर्चा में आए थे। दरअसल 2019 में बेजोस ने अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट से तलाक का ऐलान किया था। ये सब कुछ तब हुआ जब नेशनल इंक्वायरर ने बेजोस का टीवी होस्ट के साथ रिश्ते को लेकर एक स्टोरी पब्लिश की थी। बेजोस ने अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट को तलाक के बाद $40 बिलियन दिया था। आपको बताते चलें कि बेजोस उन कंपनियों की सूची में आखिरी मालिक हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े फाउंडर्स अपनी कंपनियों के पद को छोड़ चुके हैं। हालांकि फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। जेफ बेजोस ने अपने इस्तीफा देने की बात तमाम अपने अमेज़न के एम्प्लॉय को एक ब्लॉग के जरिए बताई, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अमेज़न की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि पिछली तिमाही में उसे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, जो कि थी $100 मिलियन। आपको बता दें कि कोरोना काल में अमेज़न को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हालांकि इसी ब्लॉग में उन्होंने अपने इस्तीफा देने की बात भी कही। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस्तीफा देने के बाद अमेज़न वेब सर्विसेज के चीफ एंडी जैसी उनका पदभार संभालेंगे। उन्होंने एंडी जैसी के बारे में ये कहा कि एंडी जैसी कई सालों से अमेज़न के साथ काम कर रहे हैं, तमाम लोग उन्हें जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं, इसलिए वो इस पद पर सबसे सही बैठेंगे। लेकिन ये एंडी जैसी कौन है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। जेफ बेजोस की जगह सीईओ पदभार संभालने वाले एंडी जैसी ने 1997 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया था। वो ये भी कहते हैं कई मौक़ों पर कि फ्राइडे को उनका पेपर ख़त्म हुआ और मंडे को उन्होंने अमेज़न ज्वाइन कर लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें ये लगता था कि अमेज़न को उनकी ज़रूरत थी। वो उनकी पहली नौकरी थी और अब इसी नौकरी के तहत इतने सालों बाद अब वो इसी कंपनी के सीईओ बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एंडी जैसी ने 2006 में अमेज़न के लिए क्लाउड सिस्टम बनाया था, जो माइक्रोसॉफ्ट के अजूरी और गूगल के गूगल क्लाउड के साथ आज भी कंपटीशन में है, जिसे कई बिजनेस कंपनी यूज करती हैं। वो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर पर कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। एंडी जैसी के बारे में तो आपने जान ही लिया है, अब आपको बताते हैं कि जेफ बेजोस के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो इलॉन मस्क को अंतरिक्ष के क्षेत्र में कड़ी टक्कर देना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो अमेज़न के साथ ये काम नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने अमेज़न के सीईओ पद से उतरने का
फैसला किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ।